हेलो एंड गुड इवनिंग, आप लोग कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। कल के ब्लॉग में बताई थी कि कल का ब्लॉग मैं करूँ या ना करूँ, लेकिन आप लोगों के साथ मैं बहुत सुंदर एक नज़ारा शेयर करूंगी। तो होप आप लोग देख पा रहे हो, ये मैं थोड़ी खिड़की खोलती हूँ और मैं आज इवनिंग से ही चालू किया, तो इसके लिए इवनिंग से ब्लॉग का इंट्रो किया। देखिए, कोशिश कर रही हूँ। देखिए, ये वो बालकनी में फ्लावर बेड है, बालकनी है, कितना सुंदर लाइट लग चुका है कल से। और ये लाइट देखने के बाद से मन बहुत दिवाली 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 हो रहा है। देखिए, इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और जयदीप ने बताया कि और एक इनके पास फ्लावर बेड है, जो वाली फ्लावर बेड में इन्होंने बहुत बहुत ब्यूटीफुल लाइटिंग किया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कि दिवाली का फीलिंग आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आज मैं बहुत सुंदर एक वीडियो आप लोगों के साथ करूंगी शेयर, जो होगी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल दिवाली के लिए भी। अगर आप लोग घर में तोरण बनाते हो तो उसके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगी आज की जो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि बहुत दिनों से मैंने आप लोगों को कुछ हैंडवर्क और आर्ट एंड क्राफ्ट का चीज नहीं शेयर किया आप लोगों के साथ, तो आज मैंने सोचा कि दिवाली के पहले मैं थोड़ी बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट का चीज बहुत सस्ते में आप लोगों को सिखा देती हूँ। तो बातों में टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं झटपट शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग। यहाँ पर मैंने ले लिया है, देखिए, ये वाली क्लोथ का जो बैग होती है, जब से प्लास्टिक बंद हुआ है तो शॉप से आसानी से मिल जाता है ये वाली क्लोथ वाली बैग। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ऐसा ऊन, एक ऊन को मैंने दो टुकड़े में ऐसे डिवाइड कर लिया। और मुझे चाहिए थोड़ी सी धागा, ये धागा देखिए, मजबूत धागा लेनी है जो खींचने से ना टूटे। बस इतने ही मटेरियल से मैं बनाऊंगी बहुत सुंदर यूजफुल एक चीज इसको कट करने के बाद। वीडियो में जैसे आप लोग देख ही पा रहे हो, पहले बैक को सीधा कर लेनी है, उसके बाद इसका जो एंड है, पोर्शन जहाँ से जुड़ा हुआ रहता है, वो वाली पार्ट हमको कट कर लेनी है। कट करने के बाद इसको अच्छे से फैला के एकदम फ्लैट कर लेनी है। फ्लैट करने के बाद इसका जो साइड से जुड़ा हुआ पोर्शन रहता है, वो वाली भी हमको कट कर लेनी है। कट करने के बाद ये एकदम खुल जाएगा पूरा, देखिए ऐसे। फिर इसका जो हैंडल का पोर्शन रहता है वो भी मैं कट कर लूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं फेंकूँगी। मुझे अगर चौड़ाई या लंबाई में थोड़ी सी भी कहीं से भी कुछ कपड़ा मिल जाता है तो मैं उसको फेंकती नहीं हूँ, बराबर इसको कर लेती हूँ। अभी देखिए, ऐसे स्केल के सहारे मैं एक एक स्केल का जितना चौड़ाई है उस हिसाब से इसके ऊपर ऐसे लाइन खींच के लकीरें खींच लूँगी, और इससे मेरे को कटने में, इस क्लॉथ को काटने में बहुत आसानी होगी। अभी जस्ट इसको मैं कट कर लेती हूँ, देखिए ऐसे, आप लोग भी कट कर लीजिएगा और सारा जो स्ट्रिप है वो इससे निकाल के रखिएगा। यहाँ पे देखिए, मैंने वो सिंगल एक बैग से इतने सारे स्ट्रिप का कट कर लिया। अभी हम पेटल बनाएंगे, तो पेटल बनाने के लिए आपके पास कोई सा भी कार्डबोर्ड हो वो आप ले सकते हो। कोई भी, ये है, देखिए दिखा देती हूँ, ये है एक कैडबरी सेलिब्रेशन का बॉक्स का, तो ऐसे आपके पास कुछ भी होगा तो आप ले सकते हो। तो मैं क्या करूँगी, पेटल मेरा ठीक रहे इसके लिए मैं पेटल का लेंथ लूँगी, पेटल का लेंथ मैं लूंगी 4 सेंटीमीटर, राइट। चलिए, लग रहा है थोड़ा छोटा ही हो जाएगा, तो नहीं, मैं इसको 5 सेंटीमीटर कर देती हूँ, 5.5 सेंटीमीटर लंबा पेटल मेरी लंबी रहेगी, 5.5, तो 5.5 का आधा मेरा रहेगा
यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं एक लाइन लगा लेती हूँ। ये ऐसे आप सिंगल हैंड से भी ड्रॉ करके आप ले सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँगी कि जो है मेजरमेंट आपका बहुत अच्छे से आए, पेटल बहुत सुंदर आए, इसके लिए मैं ऐसे मेजरमेंट करके हमेशा पेटल निकालती हूँ। तो ये बीचों बीच मैंने एक सेंटीमीटर इधर छोड़ के मैंने एक लगा दिया। अभी मुझे क्या करना है, ये वाली छोर से ये वाली पॉइंट को हमको मिलानी है, सेम ये वाली पॉइंट से ये वाली पॉइंट तक हमको जानी है, फिर ये वाली पॉइंट से ये वाली पॉइंट को मिलानी है। तो आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया तरीके से एक पतला सा पेटल बनके तैयार हो गया। अभी ये पेटल को मैं कट कर लूंगी पेपर से और देन मैं इसी को जो स्ट्रिप बना के रखी हूँ वही स्ट्रिप के ऊपर रख के कट कर लूंगी। देखिए ये ऐसा बन चुका है। अभी क्या करना पड़ेगा, ये स्ट्रिप बहुत ही लाइट वेट है और ये स्ट्रिप ऐसे फोल्ड कर लेनी है। आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा फोल्ड कर लीजिएगा, और फोल्ड करने के बाद ऐसा अगर ज्यादा चौड़ा कटिएगा पट्टी तो ऐसे भी आप बैठा के कट सकते हो, लेकिन मैंने स्ट्रिप बहुत पतला लिया तो इसके लिए मैं ऐसे ऐसे करके इसका अब कट के पेटल निकाल लूंगी। तो देखिए ये इधर पे एक स्ट्रिप है, ये पूरा एक स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप को ऐसे फोल्ड करके हमको पेटल कट करके लेना पड़ेगा। देखते हैं कैसा निकलता है हमारा पेटल। ये बहुत इजी सिंपल और झटपट वाली गजरा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट का बनेगा और दिखने में बहुत प्रिटी होती है, इसका लुक भी बहुत सुंदर होती है। देखिए ये हमारे पेटल कट के आ गया एक साथ कितने सारे। तो मैं बाकी का जो स्ट्रिप्स है उससे भी इसी डाई के सहारे पेटल निकाल लेती हूँ और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कैसे हम गजरा बना सकते हैं। और मेरे वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, स्टे विथ मी। जैसे मैंने दिखाई वैसे सारे स्ट्रिप को मैं ऐसे फोल्ड कर लूंगी और फटाफट इससे पहले पेटल कट करके लूंगी। कोई शॉर्टकट मत करिए, ये काम थोड़ी पेशेंस के साथ करिए। और अगर कहीं पर भी आपका पेटल थोड़ी बहुत छोटी बड़ी भी हो जाती है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन कोशिश करिएगा सारे पेटल एक जैसे निकले। सारे पेटल को मैंने कट कर लिया, अभी इसको हम धागे में पिरोएंगे। और इसके पहले ये पहले ही मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, ये वाली जो ऊन है इसको हम मेरा इधर ये येलो कलर है बोल के मैंने येलो कलर लिया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास जो कलर का ऊन घर में है आप वो लेके, ये बांधने का काम आता है एक्चुअली, तो थोड़ा रखना पड़ता है। और इसके बदले आप क्या बोलू मैं, ब्लैक कलर का भी ले सकते हो तो वो अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे इसको गांठ मार दूंगी और फिर ऐसे गांठ मारना है बीचों बीच, इसको हाफ फोल्ड करके मैं यहाँ पे गांठ मार दे रही हूँ। डबल नट देके इसको मैं सिक्योर कर लूंगी। और धागा जो आप यूज करोगे हमेशा थोड़ी मजबूत वाला धागा ही यूज करना है। तो ये हमारी जो पेटल है सारे हो गया है कट, अभी एक एक करके हम इसको धागे में पिरोएंगे। तो ये देखिए फोल्ड, मैं बहुत हल्के हाथों से फोल्ड आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए ये है इसको हाफ, कुछ नहीं, इसके दो
तीन तरीके का फोल्ड आता है, तो ये सबसे इजी वाली फोल्ड ये है। आप एक ऐसे कर सकते हो, एक ऐसे कर सकते हो, ये बहुत बारीक होती है, और एक फोल्ड ऐसा और ऐसा भी होता है पेटल के जैसा। तो आपको जो जैसा ठीक लगे आप वैसा करो, मैं आज ये वाली कर रही हूँ। वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, मैं एक सुंदर टिप्स इसके पीछे दूंगी जिसके लिए आपको इधर बने रहना पड़ेगा, क्योंकि इतने दिनों तक हम लोग ये क्लोथ से बनाते थे, लेकिन क्लोथ का भी बहुत ज्यादा हेवी फील होता था। और मार्केट में जो सीमेंट का बैग होता है ना, प्लास्टिक का, वो बैग का भी अवेलेबल होता है ये वाली गजरा, लेकिन वो सीमेंट वाली जो होती है ना, उसका जो लुक होता है ना, वो लुक थोड़ी कैसा होता है, मतलब सोबर नहीं होती है उसका लुक। लेकिन ये जो हम क्लोथ से बनाते हैं वो तो बहुत ब्यूटीफुल बनता है। और आप लोगों ने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा है, कुछ जैसे कि एकला चलो वाला जो है, मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी का बर्थडे के दिन मैंने वो वाली परफॉर्म किया था, तो उसमें मैंने जो गजरा लगाई है वो क्लोथ वाली गजरा थी, और वो भी हैंडमेड, वो भी मैंने ही बनाई थी। तो हैंडमेड गजरे में क्या होता है ना, वो थोड़ी बहुत हेवी होती है, लेकिन प्लास्टिक वाली जो बैग होती है वो हल्की होती है, और वो सस्ता भी होता है क्लोथ की गजरे से। लेकिन ये वाली जो कैरी बैग से हम बना रहे हैं, देखिए कितना प्यारा ऑलरेडी लुक आ रहा है इसका। जब बनके पूरा तैयार हो जाएगा तो आप समझ सकते हो कितना ब्यूटीफुल एक गार्लैंड बनके तैयार होगा। और ऐसे हमको बना लेनी है। देखिए चारों तरफ से देखिए कितना सुंदर एक लुक क्रिएट कर रहा है। एक छोटा सा टिप्स है, मैं ये गार्लैंड बना के सेल भी करती हूँ, मेरे पास ऑर्डर भी आता है। लेकिन ये एक साथ हम बनाएंगे ना, तो ऐसा इस चीज को दबाएंगे तो ये दबता जाएगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक नॉट लगा देनी पड़ेगी कि आगे का जो है मैं डालूंगी ऐसे करके थोड़ी थोड़ी दूरी में, वो एक ही जगह बना रहे और ये भी अपने जगह से ना हिले। देखिए मैंने यहाँ पे एक नॉट लगा दिया, इससे क्या होगा, एकदम हम जो गार्लैंड को बनाएंगे ऐसा दबाएंगे तो पिचक के इतना छोटा नहीं हो जाएगा, एक हाइट, एक लेंथ, सॉरी हाइट बोल रही हूँ, एक लेंथ में बरकरार रहेगा। तो धीरे धीरे मैं और एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसको कैसे पिरोना पड़ता है।
देखिए फ्रेंड्स, एक बैग से पूरा 12 इंच के ऊपर मैं ऐसे रख के देखिए, ये पूरा 12 इंच मेरा यहाँ पे खत्म हो रहा है और 12 इंच से भी एक इंच ज्यादा मतलब 13 इंच का लगभग ये गजरा एकदम जो है इसका बरोबर लेंथ वही डिजायर लेंथ तक एक बैग से बन गया। अभी इसको कैसे आप लगा सकते हो वो भी मैं दिखा देती हूँ और इसके साथ क्लोथ गजरे का क्या अंतर है, डिफरेंस है, वो भी मैं आप लोगों के सामने एकदम दिखा दूंगी। तो आप लोगों को समझने में आसानी होगा कि ये वाली चीज से बैग गजरा बनाने में हमको कितना फायदा है। ये देखिए, ये होता है क्लोथ वाली, इसका किनारा नोटिस करिए कि इससे ना धागा निकल जाता है और ये हम एकदम जो धागा आप देख रहे हो निकल रहा है, मैं जैसे बनाती हूँ जो सिस्टम से उससे तो धागा बहुत कम ही निकलता है क्योंकि मैं इसके जो किनारा है इसको थोड़ा क्या करते हैं वो जो कैंडल होती है ना टी लाइट कैंडल उससे इसका थोड़ा जला देते हैं। जैसे रिबन को पहले ज़माने में करते थे ना हमारे मम्मी लोग, वैसे करती थी और इसमें हम बीच में स्ट्रॉ भी डालते हैं तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। और ये देखिए ऐसे कलरफुल ये सारे इसका देखिए धागा, लेकिन इसका एक फायदा है ये वॉशेबल है और ये इसका जो वजन है मेरे पास ऐसा बहुत सारा है क्योंकि मैं खुद ही बनाती हूँ और सेल भी करती हूँ, लेकिन इसका देखिए ये बहुत जल्दी बन जाता है और एक इससे एक बैग से देखिए एकदम फुल लेंथ मतलब एक फिट का बनके रेडी हो जाता है हमारे पास ये फ्लोरल गजरा। और ये इसके तुलना में इससे ये हल्का है, इसका वेट बहुत ही ज़्यादा हल्का है और सबसे बड़ी बात है इसका किनारा देखिए, हमको कुछ करने का ज़रूरत ही है नहीं, इसका कितना नीट एंड ब्यूटीफुल है इसका किनारा। और जैसे कि ये वाला भी वॉशेबल है और ये वाला भी वॉशेबल है, तो दोनों ही हमारे लिए मतलब ये भी अच्छी है, ये लॉन्ग लास्टिंग के लिए भी अच्छी है, लेकिन ये भी अगर ये 5 साल चलेगी तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो ये 3 साल से लेके 3.5 साल 4.5 साल तक तो ज़रूर चलेगी क्योंकि ये भी क्लोथ मटेरियल ही होती है। तो इसको कैसे भी दबाइए कुछ भी करिए फिर से वापस ये अपना चेहरा ले लेते हैं। तो आइए चलिए फटाफट इसको कैसे, आई होप आप लोग लगा सकते हो, तब पर भी मैं सर में लगाने के बाद कैसा लगता है मैं दिखा देती हूँ आप लोगों के साथ। ये रहा गजरा जो मैंने बना लिया, अभी ये गजरा देखिए मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे मेरे को बाल बांधना नहीं आता है तो मैंने ऐसे ही इसको मतलब जो क्लैचर क्लिप है उससे एक बन जैसा बना लिया। तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हो और मुझे तो इजी ये वे पे लगती है, इसका जो है ऐसे, मेरे सामने मिरर नहीं है, देखिए कितना इजी है, इसके लिए मैं मिरर के सामने खड़े होके नहीं कर रही हूँ, कैमरे में है मेरा बेटा सोम दिखता, याद है वो गाना और ये ऐसा जो है इसको आप हाइड कर दीजिएगा। और ये देखिए ऐसे तो ये हिला रही हूँ मैं, नहीं गिर रहा है, लेकिन आप इसको सिक्योर करने के लिए यू पिन ऊपर नीचे साइड में आप यू पिन लगा के यूज कर सकते हो। ये बहुत ही हल्का है वेट में और बहुत ही आई होप सुंदर है। सोमदीप तक कैमरे के उस दूसरे साइड में है, आप बता सकते हो आपको कैसा लग रहा है आपका नजरिए से? इट्स गॉर्जियस, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, लाइक सो गॉर्जियस। थैंक यू सोमदीप्ता। और आज का वीडियो कैसा लगा? ये एक इनोवेटिव आइडिया है, एकदम सस्ता घरेलू चीज से आप बना सकते हो इतना सुंदर एक ब्यूटीफुल गजरा। इसके साथ आप और एक चीज भी बना सकते हो इस दिवाली में, जो बहुत इम्पोर्टेंट और ब्यूटीफुल एक चीज होता है जो होता है घर के मेन डोर पे
तोरण। तो अगर आप लोग तोरण मेकिंग मेरे से सीखना चाहते हो, तोरण मेकिंग का ट्यूटोरियल आप लोगों को चाहिए है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पक्का लिखिए कि तोरण मेकिंग आप दिखाओ करके। तो मैं ये वाली गजरा के साथ जैसे फ्लोरल स्टैंड एक बन के तैयार हुआ है, इससे मैं थोड़ी बहुत कुछ डेकोरेटिव आइटम इसके साथ अटैच करके, वो भी हैंडमेड, पक्का हैंडमेड 100% सस्ते चीजों से मैं ब्यूटीफुल तोरण बनाना आप लोगों को सिखाऊंगी। तो प्लीज फ्रेंड्स मुझे कमेंट्स करिए, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वो भी कमेंट्स करके पक्का बताइएगा। और सब्सक्राइब नहीं किए हो, चुपके से वीडियो देख के निकल जाते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि सामने आ रहा है दिवाली और ये सारा जो 2-3 दिन का मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूंगी वो सारे के सारे होंगे दिवाली के रिलेटेड। तो प्लीज स्टे विथ मी एंड गुड नाइट, टेक केयर, बिना पटाखे के, ओनली दिए और कैंडल और लाइट वाली वीडियो इस साल हम सेलिब्रेट करेंगे 2020 का। तो हैप्पी दिवाली वंस अगेन, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।